हेलो फ्रेंड्स, एक बार आपका फिर से स्वागत है मेरे ब्लॉग में। आज हम आए हुए हैं पठानकोट के नवल्टी मॉल में, तो वीडियो को शुरू करते हैं और चलते हैं मॉल के अंदर। फ्रेंड्स, इस वीडियो को पूरा देखें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें और हमारे इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें क्योंकि लास्ट में कुछ स्पेशल है। मॉल में एंटर होने से पहले एंट्री पॉइंट पर ही चेकिंग की जाती है सेफ्टी के लिए, जो कि सबके लिए जरूरी है। अब हम मॉल के अंदर आ चुके हैं। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारी शॉप्स हैं। हर मॉल की तरह इस मॉल में भी एस्केलेटर सीढ़ियाँ हैं ऊपर जाने के लिए और नीचे उतरने के लिए। अब हम आ चुके हैं फर्स्ट फ्लोर पे और आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारी शॉप्स यहाँ पर भी हैं। आप आइसक्रीम भी खा सकते हैं यहाँ से और स्वीट कॉर्न भी। और ये शॉप्स हैं क्लोथ की, आप देख सकते हैं। और ये है ज्वेलरी शॉप, आप यहाँ से ज्वेलरी भी बाई कर सकते हैं। बहुत सुंदर सुंदर ज्वेलरीज हैं, रिंग्स हैं। और यहाँ पर कुछ ओपन शॉप भी हैं। बात करते हैं क्या प्राइस है भैया इनके सभी के? अलग अलग अलग। फिर मिनिमम मैक्सिमम 10 से लेके 150 तक? ओके ओके। भैया क्या चीज है ये? सर मॉन्स्टर शू की है। ओके ओके ओके। डाइजेशन के लिए ना। और जो सीड्स हैं ये हमें सीड्स सारे मिलेंगे। अच्छा सीड्स का पैक होता है। जैसे ड्राई फ्रूट खाते वैसे खा सकते हैं इसको? सर पूरा साल खा। ओके ओके। ड्राई फ्रूट तो गर्मी में नहीं खाया जाता। हाँ जी हाँ जी, चलो भिगो के खा लो। क्या प्राइस है भैया इनका? ये 150 की रेंज में। 150 की रेंज में। हाँ जी जी, बहुत अच्छे चश्मे आएंगे आप ऐसे में देखो तो नए नए कलेक्शन में। हाँ जी हाँ जी। जी हाँ, अब हम आ चुके हैं सबकी मन पसंदीदा जगह पे, फूड पॉइंट पे। यहाँ पे आपको इंडियन, साउथ इंडियन, इटालियन, डोसा, पिज़्ज़ा सब कुछ यहाँ पे आपको मिलता है खाने पीने के लिए और आप यहाँ पे आके बैठ के एंजॉय कर सकते हैं। अब हम आ चुके हैं फन जोन में, बच्चों की सबसे मन पसंदीदा जगहों में, जहाँ पर बच्चे बहुत इन्जॉय करते हैं क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हैं बच्चों के खेलने के लिए, गेम्स हैं और भी बहुत सारी यहाँ पे एक्टिविटीज़ हैं जो करने के लिए, जिसमें बच्चे इन्जॉय कर सकते हैं। तो जब भी आप इस मॉल में आएँ तो बच्चों को ज़रूर यहाँ पर लाएँ ताकि बच्चे इन्जॉय कर सकें। और ये है टिकट काउंटर, यहाँ से हम मूवी की टिकट लेंगे। आज हम मूवी देखने जा रहे हैं सम्राट पृथ्वीराज चौहान, तो यहाँ से हम टिकट लेते हैं और इसके बाद चलते हैं ऊपर पीवीआर में। अब हम आ चुके हैं पीवीआर सिनेमा में, जो कि है थर्ड फ्लोर पे,
और यहाँ पे और भी मूवी लगी हुई है, और यहाँ पे बैगेज आप अपने सामान यहाँ पे जमा करवा सकते हैं, क्योंकि सिनेमा के अंदर सामान ले जाना अलाउड नहीं है। तो चलते हैं आगे की ओर, और ये है सम्राट पृथ्वीराज चौहान मूवी का पोस्टर, जो कि बहुत ही शानदार है। और चलते हैं, देखते हैं अंदर जाके। यहाँ पे सबसे पहले आपकी टिकट चेक होगी, और एंट्री करने के बाद सामने है फूड सेक्शन, और साथ में ही गेट है हॉल के अंदर जाने के लिए। यहाँ से हम अंदर की ओर जाएंगे, और अंदर ये देखिए कितनी सुंदर सीढ़ियाँ हैं, लाइट लगी हुई है, और सामने है सिनेमा हॉल। आप अंदर जाके जो भी आपकी सीट नंबर होगी आप उस पर जाके बैठ सकते हैं और मूवी को एंजॉय कर सकते हैं। फ्रेंड्स, बहुत ही शानदार मूवी थी, और देख के रोंगटे खड़े हो गए। आपको भी अगर टाइम मिलेगा तो आप ज़रूर देखने जाएं ये मूवी, जो कि एक रियल स्टोरी है सम्राट पृथ्वीराज चौहान जी की। आज के ब्लॉग में बस इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए आप अपना और अपनों का ध्यान रखिए, और हमारे साथ बने रहिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताएँ कि आपको यह ब्लॉग कैसा लगा।